नमस्ते दोस्तों, जी हाँ मैं हूँ आशीष चौधरी और मैं लेके आ रहा हूँ महाविकास आघाड़ी का केंद्र सरकार के विरोध में, महंगाई के विरोध में, सही मायनों में कहा जाए तो महंगाई के विरोध में ये आंदोलन छेड़ा है जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है इस वक्त, यानी कि ट्रायो सरकार जिसे कह सकते हैं। साथ ही साथ उसमें ये आप देख सकते हैं महेंद्र शेठ घरत, और ये आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस के झंडे हैं, एनसीपी के झंडे हैं, शिवसेना के झंडे हैं और क्षेत्रीय कामगार पक्ष के झंडे हैं। जी हाँ, तो ये सब मिल के इस महंगाई के विरोध के लिए जो है वो मोर्चा निकाला है कि किस प्रकार से महंगाई जो है वो गरीबों को त्रस्त कर रही है। जी हाँ, गरीब मध्यम वर्गीय इंसान जो है वो इस देख सकते हैं आप गैस के ऊपर किस तरह से जो है वो सिलेंडर को हार पहनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इतना महंगा हो गई है गैस, इतनी महंगी हो गई गैस कि आम आदमी के लिए बहुत ही भारी है। जी हाँ, साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं कांग्रेस भी है, सभी लोग हैं, महाविकास आघाड़ी आप सरकार जानते ही हैं। सबसे ये देखिए बैलगाड़ी पे निकल रही है सवारी। जी हाँ, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आमदार बलराम पाटिल थे क्षेत्रीय कामगार पक्ष के। जी हाँ, आप देख सकते हैं भवन पाटिल और प्रशांत पाटिल एनसीपी के, भवन पाटिल शिवसेना के, मनोहर शेठ बुहिर। जी हाँ, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं महेंद्र शेठ घरत कांग्रेस के। जी हाँ, सभी एकत्रित हैं। निश्चितपणानं जनतेच्या ज्या भावना आहेत त्या 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 व्यासपीठापर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीनं आम्ही या महामोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। मी आपल्याला सांगू इच्छितो, जो डिझेलवर सेस लावला जातो आहे त्याच्या आधारे 28 लाख कोटी रुपये केंद्रानं या ठिकाणी जमा केलेले आहेत, आणि जो खर्च करण्यासाठी ज्या खर्चासाठी तो लावला सेस तिथं फक्त 6 लाख कोटी या ठिकाणी खर्च झालेला आहे। म्हणजे 28 लाख वजा 6 लाख कोटी एवढा गाळा आहे। या एकंदर सेस वगैरे कमी करून जनतेला लाभ दिला पाहिजे, कारण एका बाजूला भांडवलदारांचं 11 लाख कोटीचं कर्ज हे सरकार माफ करतं आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र सर्वसामान्य जनतेवर बोजा लावण्याचं काम हे सरकार करतं आहे। आपण बघितलं की उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून गॅस सिलेंडर्स तर दिले, पण शेवटी त्या गॅस सिलेंडरना कोपऱ्यात ठेवून जंगलामध्ये लाकूड पाटा गोळा करण्याचीच पाळी आदिवासी आणि दुर्बल महिलांवर आली हे वास्तव आहे। मोठ्या मोठ्या गोष्टी करायच्या, प्रचाराचा आगडं उसळवायचा, मात्र त्या योजनेचं काय झालं याचा रिव्ह्यू आत्मपरीक्षण करायचं नाही, अशा पद्धतीचं काम या केंद्रातल्या सरकारनं चालवलेलं आहे। आपण बघतोय की सर्वसामान्य जनता होरपळत असताना मोदीजी, शहा आणि त्यांचे 2 पुत्र मात्र दणक्यात आहेत। पनवेल उरणच्या परिसराचा विचार केला तर अंबानींना NMAC जड दिलं, अदानींना आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दिला, जे ट्रक टर्मिनल आहे बेलपाड्याच्या समोरचं तेही अदानींकडं आहे। अशा पद्धतीनं हे सगळं बेगडी कारभार चाललेला आहे। 1900 अगदी आपण बघितलं की स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून जवाहरलाल नेहरूंपासून आज तगायत, अगदी त्याच्यामध्ये अटलबिहारी वाजपेयी असतील, मोरारजी देसाई असतील, इंदरकुमार गुजराल असतील, विश्वनाथ प्रताप सिंग असतील, या साऱ्या पंतप्रधानांनी काही ना काही थोड्या ना का होईना पण पब्लिक सेक्टर युनिट्सची स्थापना केली। पण नरेंद्र मोदी आल्यानंतर मात्र आत्तापर्यंत 69 पब्लिक सेक्टर युनिटची विक्री करून कारभार केला जातोय।
ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई, उल्वे न्यूज।